करोड़ से अधिक बांग्लादेशी आसाम में इनलीगल रूप से रह रहे हैं। और आज एनआरसी की बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में तकरीबन 40 लाख लोगों को रिटर्न बांग्लादेश भेजने की ऐसी एक योजना बन रही है और उनको सेपरेटली भी रखा गया है। और सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि उनको मतदान भी यानी वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया जाए। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत देश के सभी मुख्यमंत्री इस चीज का सपोर्ट करें, इसका सहयोग करें। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, ये भारत देश के लिए खतरा है, क्योंकि आए दिन आसाम में हम लोग देखते हैं कि कितने दंगे फसाद होते हैं और कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और ऐसे समय पर विदेशियों को हमारे भारत देश में रखना ये कहां का सही है? ये विदेशी लोग हैं और विदेशी लोगों को विदेश में भेजने की आवश्यकता है। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे कीड़े मकोड़ों को रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं केंद्र सरकार से कि इनको बाहर भेजे या नहीं तो जिस तरह से दूसरे राज्य के लोग जो कार्य करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग, उनके कंट्री में कोई भी दूसरे कंट्री का अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर वो कंट्री को महसूस तो होता है कि इस व्यक्तियों से, इस समाज से खतरा है, तो लोग गोली मार देते हैं। वैसे ही भारत देश में भी जो भी रोहिंग्या है, जो भी बांग्लादेशी है, अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा।